ये मेरा करी पत्ती का पेड़ जो कि मर गया है हम इसमें हल्दी वल्दी भी डाले लेकिन ये जिंदा नहीं हो पाया बाकी पे और पेड़ हैं ये हमारे फ्रेंड्स के हैं ये चले जाएंगे कुछ दिनों में वेलकम बैक टू माय चैनल दिस दिस वाचिंग क्रेजी एंड करी पत्ते का पेड़ तो जैसा कि मैंने दिखाया कि मर गया तो आज करी पत्ता लेकर के आए लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको स्टोर कैसे करें कि ये ज्यादा दिन तक चले मैंने देखा था कि ऐसे पे, पेपर टाल में लोग ऐसे उसको फोल्ड करके रख रहे थे ताकि वो ज्यादा दिन तक चल पाए लेकिन हम पिछले बार किए लेकिन फिर वो उसमें वाइट वाइट हो गया तो फिर पता नहीं अब देखते हैं कि कैसे करना है, है। अभी हम करी का तड़का ना इसलिए तुम इतना क्या कहते क्या, हैं कहाँ जा रहे हो वेर कलकत्ता कैसे खा रहे थे तुम चटनी <laughs> ऐसे कौन खाता है चटनी ओके तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे हमारे शनगन वीजा के बारे में शनगन वीज़ा हमारा आ गया है तो हम लोग शनगन वीज़ा के लिए गए थे 25 जनवरी को और हमारा 30 तारीख को शनगन वीज़ा लग गया था और हमको अभी तक पता नहीं था बताते क्या हुआ हुआ ये कि आ, उन लोगों ने शायद 30 तारीख को कॉल किया होगा एंड सागर मीटिंग में था वो कह रहा था कि एक प्राइवेट नंबर से उसको कॉल आया था लेकिन वो मीटिंग में था तो वो उठा नहीं पाया और हम लोगों ने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना था किया था तो हम लोगों ने पैसे दिए थे इसके लिए भी कि आप का जो भी मतलब जो भी होगा आप हमें टेक्स करना तो हम लोगों के पास में कोई टेक्स्ट नहीं आया अब बहुत दिन हो गए यार मोटा मोटी एक महीना मतलब होने आया फिर हम बोले यार मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है वीज़ा के लिए मतलब आ, तो हम लोगों ने फिर ट्वीट वगैरह किया तो आ, वे फर्स्ट वालों ने बोला तुम एम्बेसी में बात करो फिर हम लोगों ने कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल वॉल किया तो पता चला कि आ, आपका वीज़ा आ गया आप आकर के कलेक्ट कर लो फिर सागर गया वीज़ा कलेक्ट करके आया तो हमारा वीज़ा तो लग गया है लेकिन थोड़ा वियर्ड है हम लोगों ने मल्टी एंट्री के लिए बोला था तो उन लोगों ने मल्टी एंट्री तो दे दिया लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक महीने का वीजा दिया विच इज़ फ्रॉम सत्रह मार्च से सत्रह अप्रैल और अनफॉर्चुनेटली सत्रह मार्च और सत्रह से सत्रह अप्रैल के बीच में कुछ कुछ हम लोगों के यू नो थोड़ा सा बिजी है अब हम लोग पता नहीं किस उसमें थे कि हम लोगों को लग रहा था कि कम से कम तीन महीने का तो देगा ही यार और तीन महीने का अगर वो दिया होता तो हम लोगों के लिए काफ़ी आराम से होता वरना फिर हम लोग आ, अगर ऐसा ही पाना था वीज़ा तो हम लोग एक दो महीने के बाद करते ताकि कि वो जो समर वाला सीजन होता है हमको उस टाइम पे वीज़ा मिलता पता नहीं हम लोग किस उसमें थे कि हम लोगों को लगा था कि यार दे ही देगा और हम लोगों ने अप्लाई किया था लिथुआनिया से तो एक दो चीज़ें थोड़ी सी ऑफ हैं यार तीन महीने का कम से कम तीन महीने का तो देना ही चाहिए था एक महीने में तुमने मल्टी एंट्री दिया है तो एक महीने में एक महीने का मल्टी मल्टी एंट्री हमको तो पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आया दूसरी चीज़ जब हम लोगों ने ऑलरेडी हम दोनों लोगों ने सेपरेटली पे किया था कि हमें टेक्स्ट मैसेज आए वीज़ा के बारे में वो नहीं आया उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो बिजी रहता है आदमी तो फोन समटाइम्स आदमी पिक नहीं कर पाता है और उन लोगों ने दोबारा कॉल ही नहीं किया तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ थी तो मतलब पता नहीं शेंगेन वीज़ा को लेकर के हम लोगों को जो एक नक्षत्र होता है ना वो कुछ ज़्यादा सही चल नहीं रहा है मिल तो क्या है आ, लेकिन आई डोंट नो कि हम लोग कितना यूटिलाइज़ कर पाएंगे बिकॉज हम लोगों के हिसाब से टाइमिंग थोड़ी ऑफ चल रही है मतलब हालांकि उसमें जो हम लोगों ने ट्रैवल डेट्स डाली थी है उसी के अकॉर्डिंगली लेकिन बैक इन द माइंड हम था ना कि हम लोग को मल्टी एंट्री ये दे देंगे तो पता नहीं क्या सोच रहे थे हम लोग कि हम लोग को लग रहा था यूजुअली अरे तीन महीना छः महीने का तो दे ही देंगे लेकिन उन लोगों ने हम लोग के साथ चोट कर दिया तो और दूसरी बात हमको ये समझ में आया कि खुद से अज्यूम करके मत चलो हम लोग खुद से अज्यूम करके चल रहे थे कि अरे तीन महीना तो दे ही देगा तो उसकी वजह से हम लोगों का प्लान थोड़ा गजमज हो गया है लेकिन एक टाइम तो ऐसा आया ना कि मतलब वीज़ा तो लग गया था लेकिन हम लोगों तक तो बात आई नहीं कि भाई आकर के अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो हम लोगों को टेंशन इस बात का हो गया था हमारा पासपोर्ट था वहाँ पे अभी सागर को अपना यूएस वीज़ा रिन्यूअल के लिए भी देना है तो हमको लग रहा था अरे भैया मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था ना एक महीना हो गया था एक टाइम ऐसा आ गया हमको लगा कि भाड़ में जाए अब शेंगेन वीज़ा तुम हमारा पासपोर्ट हमको दे दो क्योंकि पता नहीं पासपोर्ट इधर उधर जाता है ना तो हमको थोड़ा सा वैसा रहता है और ना हम लोग ना बहुत क्या कहते हैं हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे लिथुआनिया से भर देते हैं और वहाँ से तो मतलब मिल ही जाएगा इतना टंटा नहीं होना चाहिए इनका रिजेक्शन रेट भी बहुत कम है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और जो हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से ये वीजा तो हमें दे ही देंगे हमें क्या पता था कि यार ये ऐसा पागल बन जाएंगे हम लोग मतलब वीजा मिला उसका बात नहीं है लेकिन हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था ना वो थोड़ा अजीब था अजीब नहीं था मतलब सोच तो रहे थे कि यार ऐसा मिल जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू गॉट क्या मंगाए हो अच्छा है ट्राई करके देखो बहुत खुशी की बात है तुम स्मॉल होते जाओ हम लार्ज होते जाते हैं <laughs> तो आजकल बहुत मेरे पास काम भी है अरे बापरे काम भी है एक्चुअली मैंने कुछ नया शुरू किया है सो आई है न्यू कंपनी तो उसको लेके काफी काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा यूट्यूब uh, पे वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही थी बट आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर बस चूंकि काम नया नया आया ना इसलिए थोड़ा इंगेजमेंट और टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है सो इफ़ यू नो समबड़ी इन यू एस हु इज़ लाइक लुकिंग आउट फॉर जॉब डू लेट मी नो ये इंसान यहाँ नाखून काटा है और अब लेके आ रहा है ये हाँ बाहर बहुत ठंडा है ठीक है तो मस्त अच्छी है हमको भी एक खिलाओ देखें अच्छा सामर की कमी नहीं खल रही है सीरी स्विच ऑन टीवी बंद करो भाई अपना लैपटॉप mm. देखते हैं कुछ या इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट में ब्लॉक बाय बाय एंड टेक केयर